और ये गवाहियां आपके लिए ताजा बाइबल एक्लेसिया। इस सिस्टर का नाम निर्मल है, साथ में इनके हस्बैंड खड़े हैं और ये परिवार अमृतसर के पास गांव नशहरा पनुआ के रहने वाले। तो आइए इनके जीवन की गवाही को, इनके हालातों के बारे में हम सिस्टर के द्वारा जानेंगे कि क्या हो रहा था इनके साथ, कैसे हालात थे, कैसे शैतान ने इनकी लाइफ को नरक बना दिया गया था और कैसे प्रभु की जीवित सामर्थ को पाकर इनका जीवन टोटली चेंज हो गया। तो आप बताएं हमें सिस्टर कि कैसे हालात थे। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी सारे क्लेसिया, जय मसीह दी मम्मा जी। सिस्टर मेरे बहुत बुरे हालात सी और मैं बहुत परेशान सी। आप हमें बताएं कि आपने बताया कि आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन अच्छे नहीं थे। हाँ जी। तो क्या हुआ था आपके साथ? मतलब मेरे हस्बैंड ऐदा गलत संगति च चले गए सी, मतलब एक गलत रिलेशन दे विच व्यभिचार च पै गए सी। मतलब 3 साल तकर मेरा यही बुरी कंडीशन थी। आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, आपका बेटा जो आपके साथ खड़ा ये 10 साल का है और आपकी बेटी जो आपके हाथ में ये 3 साल की है। जब आपकी बेटी पैदा होने वाली थी, आप प्रेग्नेंट थी, उसी समय आपके हस्बैंड के जीवन में नेगेटिविटी ने बुरी तरीके से काम किया कि प्रभु इनकी बुद्धि बंद हो चुकी थी और ये पाप में बहुत ज़्यादा जा चुके थे क्योंकि प्रभु से दूर थे और अंधकार में चलने के कारण ये भाई व्यभिचार में जा चुके थे। और सिस्टर आप बताएं हमें कि उस समय जब आप प्रेग्नेंट थी और आपके हस्बैंड भी आपको मतलब देखभाल नहीं करते थे, पैसे तक नहीं देते थे घर में, उस समय आपके कैसे हालात थे और क्या हो रहा था आपके साथ? मतलब बहुत बुरे हालात थे, कोई मतलब मेरी देखभाल नहीं थे करते, मुझे पूछते भी नहीं थे। मतलब 6 महीने से मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता चला कि ये गलत काम में पड़ गए। मैंने बहुत इन्हें समझाने की कोशिश की कि मतलब आपके 2 बच्चे हो गए हैं, ऐसे मतलब काम ना करो। मैंने बहुत समझाया इन्हें बहुत बार, मतलब कि मेरे रिश्तेदार भी इनको समझा चुके पर एक कोई बात इन्हें मतलब कि समझ नहीं ही आती। और सिस्टर आपने ये भी बताया कि आपका हर रोज झगड़ा होता था, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन आपका झगड़ा ना हुआ हो। दिन रात आप रोती रहती थी, परेशान थी, प्रेगनेंसी की हालत में आप खाना तक नहीं खाती थी। yes. और दिन रात स्ट्रेस में रहती थी। yes. और आपके रिश्तेदार भी समझाने आते थे और फिर भी आपके पति किसी का भी कहना नहीं मानते थे। yes. और आपने बताया कि आपके पति आपके सामने बैठकर उस लड़की से जिसके साथ ये व्यभिचार में थे, गलत रिलेशन में थे, उससे बातें करते थे और उस समय आप बहुत रोते थे, बहुत परेशान थे। और उस समय कैसी बातें चलती थी, क्या हो रहा था आपके साथ? मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि मतलब दिल करता था जहाँ मैं इनको मार दूँ या मैं खुद मर जाऊँ। मतलब मैं प्रेग्नेंट भी थी, मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने बच्चे को भी मतलब ना दुनिया पर लेकर आऊँ। मुझे बहुत गंदा फील होता था, मैं बहुत इन्होंने प्यार ना भी समझाती सी। मतलब इधर रिश्तेदार आंढ गुआंढ भी बोलते मतलब ना झगड़ा कराया करो, तू किवें दी आ, मतलब तेन कुछ हो जाऊगा। तो मैनू यही गुस्सा आता अपने पति से कि मेरे पति नू मेरी फिक्र नहीं आ। तो फिर मैनू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता से अपने पति से। और फिर जब आपकी बेटी पैदा हुई जो आपके हाथ में, तो आपने बताया कि उस समय भी आप इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, हर समय आपके मन में चिंता चलती थी कि मेरे पति मेरे से दूर हो चुके हैं। yes. और आपने बताया कि आप अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं देती थी, अपनी yes. बच्ची को जो बहुत छोटी थी yes. फीड भी अच्छे से नहीं देती थी। yes. इसी कारण आपके बच्चों के ऊपर भी प्रभाव जा रहा था, आपके बच्चे भी आपके कारण मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे क्योंकि yes. आपकी बेटी फीड नहीं लेती थी। yes. और उस समय सिस्टर आपने बताया कि आपके मन में ऐसी बातें चलती थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसा ही सिस्टर होता था, मतलब मैनू इन्ना गुस्सा आता कि मैं अपने बच्चों भी मतलब कि ख़त्म कर दाँ तो मैं खुद भी ख़त्म हो जा। मैं अपने पति ने यही बोल दी ही कि मतलब तुम मतलब सही हो जाओ, नहीं तो मैं मतलब बच्चे भी लैके तो मतलब आप खुद भी, मैं उस लड़की के बूए के अगे मतलब कि मतलब कुछ बच्चों भी दे के मैं खुद भी उन्होंने घर के अगे मैं मर जाना वा। मैं बड़ी मतलब इन्हों कोशिश करती हूँ समझाने की। तो कलीसिया आप देख सकते हैं कि शैतान कैसे पति पत्नी के जीवन में काम करता है और कैसे लोगों के घरों को तोड़ता है, उनके रिलेशन को खराब करता है।
वैसे इस बहन के जीवन में इनके परिवार में भी हो रहा था। इनका इनके पति के साथ रिश्ता, इनके पति का इनके साथ रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ चुका था और ये बहन दिन रात स्ट्रेस में रहती थी, कुछ भी खाती पीती नहीं थी। और ये बताते कि कई बार तो ऐसा होता था कि ये पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, दो दो दिन इनके ऐसे ही निकल जाते थे। बताइए सिस्टर, ऐसा ही था? यस सिस्टर, ऐसा ही था। और आपने बताया कि आपका आपके पति के साथ झगड़ा होने के कारण आपके पति आपको मारपीट भी करते थे, बहुत ज्यादा हालात बिगड़ चुके थे, बहुत ज्यादा हालात बिगड़े थे, मतलब दिन रात लड़ाई झगड़ा। और आपके रिश्तेदार वाले आपको बोलते थे कि आप इनको छोड़ दो, ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू हो चुकी थी। FIR भी दर्ज करवाई अपने पति के ऊपर, तो आपकी किसी साइड से सुनवाई नहीं होती थी, किसी से नहीं। तो बात तलाक तक पहुंच गई थी। आपके रिश्तेदार बोलते थे आपको कि आप इनको छोड़ दो, तलाक दे दो, लेकिन आप अपने बच्चों से भी और अपने पति से भी प्रेम रखती थी और आप चाहती थी कि आपके पति ठीक हो जाएं और फिर से हमारा रिश्ता पहले जैसा हो, तो आप इनको छोड़ना नहीं चाहती थी। नहीं। तो सिस्टर आपने बताया कि आपके आस पड़ोस वाले लोग आकर आपको नेगेटिव करते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे। सिस्टर मतलब मैं इदा कहते थे कि मतलब जिमें तेरा पति गलत आ, कोई गल नहीं, तू भी अपनी मतलब जिंदगी जी, मतलब काफ़ी जिंदगी लंबी है, कोई गल नहीं, जो ये कर दिया तेन की फर्क पाएगा, तू भी अपने बच्चों वास्ते मतलब कोई गल नहीं एवें कर, बहुत गलत बातें बताते थे आपको। आपके कुछ लोग जो मतलब प्रभु से दूर थे, जो आपको नेगेटिव करते थे, आपको बोलते थे कि आप इनको छोड़ दो और आप भी गलत काम करो, आपको ऐसे मोटिवेट करते थे लोग। तो उस समय आपके मन में कैसी बातें चलती थी, क्योंकि आप तो प्रभु से दूर थे, प्रभु को नहीं जानते थे। मतलब बुरा तो मैनू बहुत लगता से, कई बार मतलब कि मेरा जड़ा ध्यान से भटकता ही कि मतलब चलो जो ये कर दिया है तो मैं भी करी जानी, मैनू की होने लगा है, पर मैं अपने बच्चों बारे सोचती सी कि मतलब जे मैं ऐदा करूँगी मैं अपने बच्चों तो दूर हो जाऊँगी, मतलब मैं भी गंदगी च चली जाऊँगी, पर मैं अपने मन को बहुत कंट्रोल करती सी। आप पवित्रता ही में रहती थी और आप बच्चों से भी प्रेम करती थी और पति की इज्जत के बारे में भी सोचती थी। यस मतलब मैं बहुत सोचती कि नहीं मैं इतना गलत काम नहीं करांगी, मतलब ये बेवकूफ हो गया, मैं नहीं होंगी, मैं अपने बच्चों की मतलब देखभाल करूंगी। तो क्लीसिया आप समझ सकते कि नहीं तो ये बहन परमेश्वर को तो नहीं जानती थी, ये भी पाप में जा सकती थी, बुरे काम कर सकती थी, लेकिन इस बहन के अंदर वफादारी थी अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, और इनके अंदर एक अच्छा मन था। और फिर परमेश्वर की गुड न्यूज इनके पास पहुंची और किसी के द्वारा इनके पास गुड न्यूज जब आई तो ये सुपारानम निस्टी में आए, चर्च में आए, और यहाँ पर आकर इन्होंने पावरफुल टेस्टमनी को सुना कि कैसे लोगों की लाइफ बदलती है, कैसे लोगों के जीवन परिवर्तन होते। तो जो ग्रेस यहाँ पर काम करती है, उस ग्रेस ने इस बहन को टच किया और फिर ये बताते कि ये लगातार हजूरी में बने हुए थे और जब भी अपोस्टल जी के द्वारा पॉजिटिव वर्ड रिलीज किए जाते थे कि आपके घर बदल रहे हैं, आपके परिवार बदल रहे हैं, आप बने रहो, तो ये बहन लगातार बनी हुई थी। और फिर सिस्टर आप हमें बताएं, जब आपने अपोस्टल जी के मुख से आने वाले वर्ड्स को रिसीव किया, वर्ड को रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके पति के साथ? सिस्टर मेरे पति की जिंदगी मतलब दिनों दिन बदलती गई, अच्छे होते गए, मेरी देखभाल करने लगे, मेरे बच्चों की मतलब बहुत खुश हूँ मैं, अब मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा मतलब प्यार देते हैं मुझे भी। और आप हमें ये बताएं कि कितना समय हो गया आपके पति व्यभिचार से बाहर आ गए? एक साल हो गया। एक साल हो चुका है, परमेश्वर की ग्रेस ने इनके पति को टच किया, अपोस्टल जी के मुख से आने वाले प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा इस भाई का जीवन टोटली बदल चुका है। क्लीसिया आज ये भाई व्यभिचार की गंदी बुरी दुष्ट आत्मा से आज पूर्ण रीति से आजाद हो चुके और अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं। सब जन इस पावरफुल टेस्टिमनी के लिए जबरदस्त तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे जीवित परमेश्वर का, जो जीवनों को बदलता है, मनों को बदलता है, खराब रिश्तों को फिर से नया कर देता है। वो जिंदा यीशु मसीह कैसे अपने दांत के शब्दों में काम करता है और लोगों के जीवनों में बड़े कामों को करता है।
सब जन इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियों के साथ पिता परमेश्वर की महिमा को करेंगे, धन्यवाद को करेंगे। आज जितने लोगों की जीवन खराब है, जिनके जितने लोगों के रिलेशन खराब है, आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी खास ग्रेस को रिलीज करेगा और आपके बिगड़े रिश्तों को फिर से नया करेगा। आप ऊंचे किए जाओगे क्लीसिया, आप भी गवाहियों के साथ आओगे क्लीसिया, सब जन जबरदस्त तालियों के साथ परमेश्वर जी की महिमा को करेंगे।